हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के फंडामेंटल के चैप्टर 4 के बारे में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट प्रिपरेशन की सीरीज की ये फोर्थ वीडियो ट्यूटोरियल है, जिसमें मैं बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ जो क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछे जाते हैं, कंप्यूटर के सेक्शन से पूछे जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो सेक्शन हम क्लियर करने वाले हैं वो है सेक्शन आउटपुट डिवाइसेस का। और ऑलरेडी आपको मैं ये पहले बता चुका हूँ कि आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसकी मदद से हम मतलब कंप्यूटर से कुछ ना कुछ क्या लेते हैं, या तो प्रिंटेड फॉर्म में लेते हैं या तो कोई ना कोई ऐसी चीज जो हमें कंप्यूटर देता है, मतलब हम उससे लेते हैं, वो क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है, हेडफोन है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है और प्लॉटर है। मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मॉनिटर से और प्रिंटर सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मॉनिटर क्या होता है। उसके पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं उस ब्रॉडली आपको दो तरह के आउटपुट देते हैं, मतलब आउटपुट डिवाइसेस की मदद से आप दो तरह के आउटपुट पा सकते हैं। पहले को कहते हैं हार्ड कॉपी और दूसरे को कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है, जब आपके पास कुछ प्रिंटेड फॉर्म में आ जाए, जैसे आपने कुछ अपना मान लीजिए आपने रिज्यूम बनाया यानी बायोडाटा बनाया और आपने उसको प्रिंट कर लिया, प्रिंट करने के बाद आपके पास वो फिजिकली अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हार्ड कॉपी। फिजिकली अवेलेबल है मतलब आपके पास है। और दूसरी होती है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या हुआ कि वो आपके पास फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है लेकिन आपके मेमोरी में, आपके डिवाइसेस में, जैसे मान लीजिए किसी पेन ड्राइव में आपका एक फाइल है, तो दैट इज कॉल्ड इन सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो दो तरह आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो दो तरह के आपको आउटपुट दे सकते हैं, या तो आपको हार्ड कॉपी यानी कि जो प्रिंटेड फॉर्मेट होता है, एक सॉफ्ट कॉपी यानी जो फाइल्स के फॉर्मेट में होता है और आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं जो भी एडिटिंग करूंगा एडिट करके ये मुझे एक फाइनल वीडियो बना के देगा कि ये रहा आपका एडिटेड वीडियो, लेकिन वो वीडियो को मैं प्रिंट करूंगा नहीं, वो वीडियो मेरे लिए एक रेफरेंस रहेगी जो मैं इसको वीडियो में को क्या करूंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगी, सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी। ठीक है, अब हार्ड कॉपी जो होता है, जैसे बेसिकली आप प्रिंटर के जरिए निकाल सकते हो, प्लॉटर के जरिए निकाल सकते हो और कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म यानी COM, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म की तरह भी निकाल सकते हो। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। सॉफ्ट कॉपी जो है मॉनिटर, जैसे कि मॉनिटर मुझे शो कर रहा है तो क्या मुझे कुछ प्रिंटेड मिला है, कुछ क्या हार्ड मिला है, मतलब क्या इसने मुझे कुछ दे दिया, नहीं मैं बस देख रहा हूँ लेकिन ये दिखा तो रहा है ना, दैट मीन्स ये कुछ ना कुछ आउटपुट काम कर रहा है लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, बस मुझे दिख रहा है, तो वो मॉनिटर भी क्या एक तरह का आउटपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट है वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, हम कुछ बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, रिप्लाई मिलता है। जो प्रोजेक्टर होता है जो हमें डिस्प्ले करता है चीजों को, इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड होता है जिसपे हम क्या करते हैं पढ़ाते हैं। ठीक है, हेडफोन एंड हेडसेट्स होते हैं, हेडफोन मतलब क्या हुआ, जिससे हम गाने सुनते हैं, तो हमें कुछ एग्जैक्टली प्रिंटेड फॉर्म में नहीं मिलता है, फिर भी वो हमारे लिए ही है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, सारे सॉफ्ट कॉपीज कहलाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ड कॉपी मतलब जो भी चीज हमें प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलती है, सॉफ्ट कॉपी का मतलब जो भी चीज हमें मिलती तो है लेकिन वो हार्ड मतलब प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं मिलती बल्कि वो होती हमारे लिए है। ठीक है, तो ये होगा क्लासिफिकेशन हार्ड कॉपी का और सॉफ्ट कॉपी का। अब आते हैं सबसे पहले चीज की मॉनिटर क्या होता है। देखिए क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे वो दो सेक्शन से पूछेंगे, या तो आपको मॉनिटर से पूछा जाएगा या तो आपको प्रिंटर से पूछा जाएगा, बस इतना ही से पूछेंगे, इसलिए इन दोनों को ध्यान से समझिए। बाकी को पता होना चाहिए आपको कि क्या है लेकिन आपको उतना उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मॉनिटर क्या होता है, तो ये रहा मॉनिटर, जो भी कुछ डिस्प्ले हो रहा है, जैसे आप ये मेरी वीडियो देख पा रहे हैं तो आपके मॉनिटर यानी आप या तो मोबाइल पर देख रहे हैं या तो आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो यही क्या कहलाता है, मॉनिटर कहलाता है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, जिस जो सारे तरह के कंटेंट को क्या करता है, शो करता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं किसको, जो भी चीजें एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हैं। पहले वाले कंप्यूटर जो होते थे उनको सीआरटी कहा जाता था, सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ये है आपका एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एक नंबर क्वेश्चन जो आपको फुल फॉर्म में पूछ देगा कि सीआरटी स्टैंड्स फॉर डैश। तो सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब व्हिच मेड देम लार्ज हेवी एंड इनएफिशिएंट। मतलब क्या हुआ कि पुराने जमाने में जो होता था एक सीआरटी मैंने बहुत बड़ा सा कंप्यूटर होता था, जैसे आज तक हम आजकल हम लोग तो एलसीडी वगैरह यूज कर रहे हैं लेकिन पुराने जमाने में एक बहुत बड़ा डब्बा की तरह जो होता था वो स्क्रीन होता था, मॉनिटर होता था, इसको सीआरटी कहते थे। तो सीआरटी को हमने क्या किया, रिप्लेस किया और आज जो हम लाते हैं वो होता है हमारा एलसीडी। सीआरटी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करता था, बहुत हैवी होता था, ठीक है, इसलिए हमने स्विच किया टेक्नोलॉजी को और आज हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो एलसीडी या एलईडी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एक होता है एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, ये दो फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि पहले के जमाने में तो हम यूज कर लेते थे किसको, पुराने वाले सीआरटी टाइप मॉनिटर को, लेकिन आजकल हम जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, एलसीडी को यूज करते हैं। ठीक है, जो लैपटॉप्स में पीडीए, पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट,
पी से पर्सनल, डी से डिजिटल, ए फॉर असिस्टेंट को यूज करते हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप में, ठीक है। और बहुत ही हल्के होते हैं और कम एनर्जी लेते हैं, मोर एफिशिएंट, मतलब क्या होता है, ज्यादा अच्छे हैं वो। पुराने वाले सीआरटी मॉनिटर बहुत ज्यादा लेते हैं, इसका मतलब सीधे शब्दों में क्या कहें तो सीआरटी पुरानी टेक्नोलॉजी थी, वो भी स्क्रीन ही था, लेकिन आज हम आ गए हैं वो एलसीडी में आ गए हैं, एलईडी में आ गए हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, आसान भी होता है, हल्के भी होते हैं और बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी भी लेते हैं। एक चीज और इसमें जानने वाली बात है कि मॉनिटर को कभी कभी हम लोग VDU भी कहते हैं, दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये सारे फुल फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे गए, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक टर्म होता है डॉट पिच, क्या होता है, ठीक है। डॉट पिच का मतलब क्या होता है कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ईच पिक्सल्स इन स्क्वायर। पिक्सल्स क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए मेरा स्क्रीन है, ठीक है, कभी कभी आप देखते हैं कोई कोई पिक्चर जो फटाफट आता है, ठीक है, मतलब जैसे आप उसको बड़ा करते हैं फटने लगता है, जबकि कोई कोई इमेज होता है इतनी अच्छी क्वालिटी होती है कि आप उसको इनलार्ज करते हैं यानी बड़ा करते हैं तो फटता नहीं है। तो ये सारी जो पिक्चर की क्वालिटी होती है, चाहे वो आपके स्क्रीन पे जो पिक्चर दिख रहा हो उसकी हो या फिर आपने प्रिंटेड किया हो, प्रिंट करके देखा हो, ठीक है, उसमें डॉट्स होते हैं, यानी कि हर चीज जो है डॉट्स से मिलकर बनी हुई है, हर चीज छोटे 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 डॉट्स, बहुत सारे छोटे 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 डॉट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन सारे डॉट्स को हम लोग कहते हैं पिक्सल्स। इन पिक्सेल्स क्या होते हैं, तो पिक्सेल्स आर स्मॉलेस्ट डॉट्स ऑन द स्क्रीन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट डॉट्स ऑन द स्क्रीन, ठीक है। यानी कि स्क्रीन जो है ना हमारा, जैसे अभी आप हमारा स्क्रीन देख रहे हैं ना, स्क्रीन जो है बिल्कुल छोटे 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 डॉट्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पिक्सेल्स कहते हैं। तो देखिए किसी भी एलसीडी में, एलईडी में, जैसे आप एचडी वीडियो देखते हैं उसमें पिक्सल्स का रिजोल्यूशन बहुत हाई होता है। अगर वो रिजोल्यूशन आप, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर इसको आप कम रिजोल्यूशन पर देखेंगे तो फेंट करने लगेगा यानी फटने लगेगा, जबकि आप हाई रिजोल्यूशन पर देखेंगे तो पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल सही आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि पिक्चर क्वालिटी जो है कंप्लीटली बेस्ड होती है नंबर ऑफ पिक्सल्स पे। जितनी ज्यादा पिक्सल्स होंगी उतनी आपकी जो है पिक्चर क्वालिटी क्या होगी, बेहतर होगी, जितनी कम पिक्सल्स होंगी उतनी आपकी पिक्चर क्वालिटी क्या होगी, खराब होगी, ठीक है। तो डॉट पिच क्या होता है, इन्हीं दो पिक्सल्स, मान लीजिए एक पिक्सल यहाँ है और एक पिक्सल यहाँ है, इन दोनों पिक्सल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इनकी जो दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डॉट पिच कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है डिस्प्ले रिजोल्यूशन। डिस्प्ले रिजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जैसे वही बात है, बिल्कुल ये आपका स्क्रीन है, अगर इसमें जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उतने ज्यादा आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी, जितने कम डॉट्स होंगे उतनी कम पिक्चर क्वालिटी होगी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्ले रिजोल्यूशन। तो इट इज आल्सो नोन एज डॉट्स पर इंच, इनको डीपीआई भी कहते हैं। देखिए फुल फॉर्म्स बहुत मिल रहे हैं, एकदम याद करके रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो डिस्प्ले रिजोल्यूशन होता है उसको हम लोग कहते हैं डॉट पर इंच, नाम से क्लियर, डॉट पर इंच मतलब क्या हुआ, एक इंच में आपको कितने डॉट्स की संख्या है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्ले रेजोल्यूशन कहते हैं। सीधी सी कॉन्सेप्ट है, पिक्सेल्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी आपकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है उतनी अच्छी होगी। बिल्कुल एग्जांपल आप यूट्यूब में अभी आप करके देखिए, जहां पे आपको शो कर रहा है वीडियो रेजोल्यूशन, वहां पे आप जब कम कीजिएगा, मतलब जैसे सपोज कीजिए एचडी कीजिएगा तो बहुत क्लैरिटी आएगी, जब उससे नीचे कीजिएगा तो और कम आएगी, 480 कीजिएगा नीचे आएगी, 320 कीजिएगा, 144 कीजिएगा तो और पिक्चर क्वालिटी क्या होती चलेगी, कम होती चली जाएगी। तो हायर द रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन यानी कि पिक्सल की क्वालिटी, पिक्सल्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना मॉनिटर अच्छा डिस्प्ले करेगा, जितनी कम होगी उतना मॉनिटर आपको खराब डिस्प्ले करेगा, ठीक है। यानी पिक्चर क्वालिटी पूरी की पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है हमारे पिक्सल्स पे, ठीक है, क्लियर। अब आइए मॉनिटर की साइज को जो हम मेजर करते हैं वो कभी भी जो है डायगोनल, यानी यहां से लेके यहां तक मेजर करते हैं, कभी भी जो है हम ये ऊपर से लेके नीचे तक मॉनिटर की साइज को मेजरमेंट नहीं करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन ये आता है कि कंप्यूटर की जो मेजरमेंट होती है वो कैसे होती है, क्या मतलब टॉप टू बॉटम होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, क्या ऐसे होती है, नहीं कभी नहीं होती है, हमेशा डायगोनल होती है। ये डायगोनल जो होता है ये हमारा होता है लेंथ ऑफ व्हाट, हमारा मॉनिटर, ठीक है। तो यही चीज लिखा है मैंने कि द साइज ऑफ मॉनिटर स्क्रीन इज मेजर डायगोनली, हमेशा याद रखिएगा डायगोनल फॉर्म में, या तो इधर से इधर नाप लीजिए या तो यहां से यहां तक नाप लीजिए आप, ठीक है। लेकिन कभी भी टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट नहीं होता है, ठीक है। और मॉनिटर बहुत सारे साइजेस में आते हैं, तो आपको पता है जैसे आपके घर में टीवीज हैं तो टीवी बहुत सारे साइज में आते हैं, वैसे मॉनिटर भी जो है बहुत सारे साइज में आते हैं, 14, 15, 17, 19, 21 बहुत सारे साइज में आते हैं। तो ये है आपको सारा का सारा क्वेश्चन जो मॉनिटर से पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, ऑब्वियसली आपको बात पता है कि आप कुछ हार्ड लेते हैं, हार्ड कॉपी में आपको कुछ मिलता है, मतलब आपको एक पेज निकल के आता है जिसको आप कहीं लेके जा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक आउटपुट डिवाइस जो किसी भी चीज को प्रिंट करने का काम करता है, किस पे, पेपर्स पे, ठीक है। द प्रिंटेड मटेरियल इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। प्रिंटेड मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। द सेम इन्फॉर्मेशन इज दैट रिप्रेजेंट इन कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। मतलब कि देखिए आपने अपना बायोडाटा बनाया, ठीक है, बायोडाटा जो है बनाया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो भी तो आपको तरह से आपके लिए भी वो एक आउटपुट है ना, दिख तो रहा आपको है ना, लेकिन वो किस फॉर्मेट में है, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में। आप उसी रिज्यूम को, उसी बायोडाटा को आपने प्रिंटर से प्रिंट करके निकाल लिया, आपके पास वो क्या आ गया, हार्ड कॉपी आ गया। मतलब जब तक वो कंप्यूटर के पास है
भले ही वो आपके यूज के लिए दिखा रहा है, तब तक वो क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी। लेकिन जब आपने कुछ प्रिंट करके निकाल लिया, वो क्या कहलाने लगता है, हार्ड कॉपी कहलाने लगता है। ठीक है, प्रिंटर्स जो होते हैं थोड़े से ब्रॉडली क्लासिफाइड है, ध्यान से समझने की जरूरत है। दो तरह के होते हैं बेसिकली, किस तरीके से वो प्रिंटिंग करते हैं इसके बेस पे प्रिंटर्स कितने तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर को समझने के लिए अगर आपने कभी टाइपराइटर देखा हो तो बड़ा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि टाइपराइटर के टेक्नोलॉजी पे काम करता है कौन सा, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, जैसे कि जैसे ही आप टाइपराइटर कभी देखते हैं, एक बटन दबाएंगे खट खट, यानी पेपर पे जो है होता है एक नीडल जाके स्ट्राइक करता है बार बार, वो क्या करता है उसको स्ट्राइक करता है। ए दबाया तो ए जाके स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक के बाद ए छप गया। बी दबाया तो बी जाके स्ट्राइक किया, बी जाके छप गया। मतलब पेपर पे स्ट्राइकिंग होती है। ठीक है, तो उस स्ट्राइकिंग को हम लोग, जो भी प्रिंटर हमारा स्ट्राइकिंग के पैटर्न पे काम करता है वो कहलाता है कौन सा प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो बिना स्ट्राइकिंग के पैटर्न पे काम करता है, मतलब स्ट्राइक की जरूरत नहीं, धक्के की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, दैट इज वो क्या कहलाता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली किस तरीके से प्रिंट करते हैं, स्ट्राइक करके प्रिंट करते हैं तो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाया जाएगा, बिना स्ट्राइकिंग के प्रिंट करते हैं तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाया जाएगा। ठीक है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो ये होता है कि कैरेक्टर प्रिंटर, मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। जैसे मुझे राम प्रिंट करना है सपोज कीजिए, तो कैरेक्टर प्रिंटर क्या करेगा, आर पहले प्रिंट करेगा, फिर ए प्रिंट करेगा, फिर एम प्रिंट करेगा। तो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंटिंग। ठीक है, दूसरा होता है लाइन प्रिंटर, एक बार में पूरी लाइन ही प्रिंट कर देगा, उसे क्या कहेंगे हम, लाइन प्रिंटर। और पेज प्रिंटर क्या करेगा, पूरे बार मतलब एक ही बार में पूरा का पूरा पेज ही क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो ऑब्वियसली बात है, जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करेगा वो स्लो होगा, लाइन जो उससे फास्ट होगा, और सबसे फास्ट कौन होगा, पेज प्रिंटर। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि सबसे फास्ट टाइप का प्रिंटर कौन होता है, तो कौन सा होता है आपका, पेज प्रिंटर जो होता है सबसे फास्ट होता है। ठीक है, अब इन दोनों प्रिंटर पूछे कि दोनों में मतलब अच्छा कौन सा होता है, तो ऑब्वियसली बात है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ज्यादा अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्राइक नहीं करता है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में मैंने यही सारी चीज जो आपको पेजेस पहले समझाया कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, तो जो स्ट्राइकिंग मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो किस तरह का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ऑब्वियसली बात है ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो आपको नाम याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चार प्रिंटर्स कम से कम याद कीजिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ये चार प्रिंटर जो होते हैं वो होते हैं किसके एग्जाम्पल्स, इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होते हैं, जिनमें स्ट्राइकिंग का यूज किया ही नहीं जाता, जैसे इंक जेट, नाम ही देखिए इंक जेट का मतलब क्या, इंक को काफी फास्ट स्पीड से स्प्रे किया जाता है। आप स्प्रे करके भी, तो जैसे कि स्प्रेयर्स आते हैं, स्प्रे करके हम पेंटिंग भी तो करते हैं घर में, तो क्या हम बेसिकली जो नॉर्मल पेंट्स आते हैं वो ऐसे ऐसे पेंट करते हैं, तो वो स्ट्राइक कर रहा है, दीवारों में घिस रहे हैं आप। ठीक है, लेकिन जब आप स्प्रेयर्स लाते हैं, स्प्रेयर्स को बस स्प्रे कर देते हैं और तब भी दीवार अभी पेंट हो जाती है। तो उसी पैटर्न पे कौन काम करता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर काम करता है। ठीक है, जैसे कि इंकजेट प्रिंटर्स हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, इसमें स्ट्राइकिंग नहीं होती है, ये दूसरी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बस बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये होते हैं। प्रिंटर को अगर आप ब्रॉडली क्लासिफाइड कीजिए, ठीक है, तो ये इमेज काफी हेल्पफुल है आपके लिए। लो स्पीड, जाहिर सी बात है जिसकी स्पीड कम होगी, हाई स्पीड, जाहिर सी बात है इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। ये सारे हैं कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जांपल। कैरेक्टर प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर हो सकता है, नॉन इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, वो एक कैरेक्टर प्रिंटर है, और वो ये क्या है, लो स्पीड भी प्रिंटर है। वैसे ही डेजी व्हील प्रिंटर भी क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है और लो स्पीड प्रिंटर है। वैसे ही गोल्फ बॉल भी क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है और क्या है, लो स्पीड है। इसकी यूज बहुत कम है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरह नॉन इम्पैक्ट क्या हो, जैसे थर्मल प्रिंटर हुआ, इंकजेट प्रिंटर हुआ, ये सारे भी कैरेक्टर प्रिंटर, यानी कि ये भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही प्रिंट करते हैं। ठीक है, और ये बहुत, जब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करेंगे तो ऑब्वियस बात आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, लो स्पीड है। ठीक है, नेक्स्ट है हाई स्पीड। हाई स्पीड में क्या हो गया, अब आप लाइन प्रिंटर्स को ले लीजिए या पेज प्रिंटर को ले लीजिए, दोनों के दोनों क्या होंगे, हाई स्पीड होंगे। तो जैसे इसमें भी इम्पैक्ट है, मतलब कि लाइन प्रिंटर्स में भी इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं, तो ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर एक इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है, मतलब जो कि क्या करता है, स्ट्राइक करता है। ठीक है, और ये किस तरह का है, लाइन प्रिंटर का है। जबकि नॉन इंपैक्ट, यानी कि लाइन प्रिंटर में नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है, लाइन प्रिंटर का एग्जांपल है, और ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन है ये, इसको याद कर लीजिएगा, प्रिंटर से हमेशा आपको क्वेश्चन जो भी आएगा आराम से आप कर सकते हैं। वैसे ही हाई स्पीड में नेक्स्ट प्रिंटर क्या आया, पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर क्या होता है, ये नॉन इंपैक्ट होता है, मतलब इसमें कोई इंपैक्ट नहीं होता है, जैसे लेजर प्रिंटर। सबसे ज्यादा हम लेजर प्रिंटर को यूज करते हैं, आप इसको चाहिए तो छोड़ भी सकते हैं, दोनों को छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखिए आपको क्या याद करना है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर याद कर लेना है। ठीक है, वैसे ही आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट प्रिंटर को याद कर लेना है। ठीक है, और इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील,
ठीक है, ड्रम और चेन, ये चार जो मैंने यहाँ पे बताया है ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि इतना तो आपको मिनिमम, ये चारों जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ये मिनिमम है जो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंटर का क्लासिफिकेशन, प्रिंटर से इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, हेडफोन क्या होता है। बहुत आसान सी बात है, ये रहा आपका हेडफोन, आप म्यूजिक सुनने के लिए हेडफोन यूज कर सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक वायर्ड होता है एक वायरलेस होता है, यानी एक में जैसे ये वहाँ वायर लगा हुआ है तो ये वायर्ड हो गया, वायरलेस मतलब जो ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। आप गाने सुनते हैं, किसी भी तरह की ऑडियो क्या करते हैं, सुनते हैं इसका यूज करके, सेम यही चीज होता है। स्पीकर जो कि आपको गाने या फिर म्यूजिक सुनाने का काम करता है, लेकिन ये ज्यादा लाउड होता है क्योंकि सिर्फ आप नहीं सुनते हैं, बाकी सबको आपके बगल अगल वाले भी सुनने लगते हैं। और लास्ट है हमारा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या करता है, जैसे कि आप मूवीज देखने जाते हैं तो प्रोजेक्टर के जरिए क्या किए जाते हैं, मूवीज को शो किए जाते हैं बड़े स्क्रीन पे। अगर आपको प्रेजेंटेशन दिखाना हो, बड़े स्क्रीन पे आपको वीडियोस दिखाना हो, फाइल्स को दिखाना हो, तो आप किसका यूज करते हैं, प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ये एक सॉफ्ट कॉपी टाइप का आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आपको कुछ मिलता नहीं है लेकिन आपको आपके लिए डिस्प्ले किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए एक और बचा हुआ है, आई एम सॉरी शायद ये मैं भूल गया था। सेवेंथ है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, जब बहुत बड़े बड़े प्रिंटिंग्स निकालने से प्रिंटर की कैपेसिटी जो होती है लिमिटेड होती है, छोटे छोटे पेजेस में आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए जो बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, आप जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो कहाँ से आता है, तो वो जो है कौन प्रिंट करता है, प्लॉटर प्रिंट करता है। प्लॉटर कुछ ऐसा दिखता है, देखिए कितनी बड़ी जो है इमेज ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो प्लॉटर यही कह रहा है कि एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज करके हम किसी भी बड़े यानी लार्ज टेक्स्ट को या इमेज को क्या कर सकते हैं, पेपर्स पे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये कौन सा होगा बताइए, ये सॉफ्ट कॉपी होगा या हार्ड कॉपी होगा, सोचिए 2 मिनट के लिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या होगा। तो बेसिकली अगर आपने वीडियो को पॉज किया उसके बाद आप आते हैं तो इसका जवाब ये होगा कि ये कौन सा देता है, आपको हार्ड कॉपी देता है, क्योंकि ये प्रिंट करके आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, हार्ड कॉपी होगा। तो ये था टोटल सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।